हेलो गाइस, क्या हेलो गाइस यार, अभी तो हम यहाँ कोदा काट में आ रखे हैं। हाँ, क्या करना यार, ये परेशान कर देते हैं, फोन कर क्या करना, बेरोजगार भी है पास में। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा, सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं माँ भगवती के इस पावन दिव्य स्थान से। तो माँ काली आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, और आने वाली नवरात्रि जो 15 तारीख से हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाइयाँ। जय माँ काली। फिर अकेली हूँ यहाँ पे, और जो इतना हमने काट दिया था और इतना यहाँ पे बचा हुआ था, तो अभी मैंने फ़ोन कर रखा है अपने दोस्त को, अगर आएगी तो पता नहीं कहाँ चले गई वो अभी। और मैं ना एक घंटे से यहाँ पे बैठ रख हूँ, हरे फालतू बैठ रखी मैं अकेला, मतलब नहीं काट रही मैं अकेला, अच्छा भी नहीं लग रहा है। और दोनों देखते हैं कोई आएगा। अच्छा आ जा तो चो को तो दड़े अब दड़े है कि दगड़े ले आगे। तो अपने साथ ना एक दूसरे हेल्प करने के लिए भी ला गई है दिव्या को, और दिव्या के को घास काटेंगे ना दिव्या के लिए आज। वीडियो कॉल ये है वो दोस्त जो कल के वीडियो में गाना लगा रही थी। हेलो गाइस, क्या हेलो गाइस यार, अभी तो हम यहाँ कोदा काटने आ रखे हैं। हाँ, क्या करना यार, ये परेशान कर देते हैं, फोन कर आओ। तो कौन बोल रहा तेरे को, आई आ आप ना तब आना पड़ता है, नींद को भी खराब कर दिया हमारी है। हाँ। तो दिव्या बोल रही है मजबूरी में, मैं इसकी शादी होगी ना तब मैं भी मजबूरी में जाऊंगी, जब सारी जो मेरे को पसंद आएगी ना वो साड़ी मेरे को होगी इनकी। इन्होंने बोल रखा है ना कि मेरी जो साड़ी तेरे को पसंद आएगी वो ले जाना, तो ले कभी ना नहीं है। तो शाम की 6 बज गई हैं, और हमने अभी फाइनली आज पूरा कर दिया है। लग तो नहीं रहा था आज पूरा होगा, पर कोशिश दिव्या ने पूरा कर दिया। हम वीडियो बना रहे थे, ये हमको डांट रही है, देख रहे हैं आज का जमाना, बेटियां डांट रही हैं, हमने डांटना था इसको, ये हमें डांट रही कि वीडियो बना रहे हैं एक बार पूरा काम करो। तो हमने इसका कहना माना, तो आज हमने पूरा, वैसे हमने कल भी कम नहीं किया, कल भी हमने इतना पूरा ये सारा इतना कल कर दिया था, और आज यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो अब दिव्या अपने लिए थोड़ा घास निकाल रही है, तो अंधेरा तो हो ही गया है पर कूड़ा लग गया है भयंकर। हाँ, काम हो जा रहा था, स्कूल में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है वो लड़कियाँ, और काम घर का काम भी बहुत अच्छी तरह से निभाती हैं वो, ऐसी नहीं रहती है कि जैसे कि कोई होता है कि पढ़ी लिखी है घमंड करती है, कोई इस तरह से नहीं है हमारी काली मछली कोई भी लड़की है।
बेरोजगार भी है पास। क्या करना, बेरोजगार भी है पास हूँ मैं। कल ना मेरे यहाँ पे दराती भी खो गई थी तो मिली नहीं रही हो आज। शहर की कह गई ढूंगा माँ, ये ढूंगा माँ तुम लेन है कि रस्सी नहीं लाए हम। ये देखो अब ऐसे हो रहा है, यहाँ अपना दिमाग की बत्ती जला रहे हैं हम बिना समोसा खा के। बिना समोसा के मैं तो समोसा खा के बत्ती भी जलती है किसी समय, परंतु बिना समोसे की बत्ती जल रही है आजकल। क्या करना, तो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी है हमारी पास। आप लोग ऐसे मत बोलना कि कल भी डेली डेली उसी खेत को दिखा रहे हैं। अब क्या करना, वीडियो भी बनानी है और डेली डेली वीडियो भी नहीं डालेंगे तो आप लोग बोलते हैं कि वीडियो नहीं डाली। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं मेरी डेली और डेली मुझे बताते हैं कि हमने आज वीडियो क्यों नहीं डाली आपने, तो उनके लिए मैंने थोड़ा एक वीडियो बना दी है, ज़्यादा तो नहीं बनाई। हम की डाली माँ घुघुती न बासा। तेरा गुर गुर सुनी मैं लागो उदास, तेरा गुर गुर सुनी मैं लागो उदास। घुघुती न बासा धन्यवाद। बली बोला, बहुत सारी लड़कियाँ हमारे गांव के ऐसी हैं जो बहुत दूर हैं, मतलब कोई विदेश हैं, कोई देश दिल्ली बम्बई नौकरी की वजह से दूर दूर रहती हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी लाइन बोलेंगे हम, क्योंकि उनको तो याद आती होगी अपने जो यहाँ नज़दीक है। उनको तो अपने गांव का, अपने मायका का, अपनी कालीमठ घाटी का डांड भी दिखता होगा, पहाड़ भी दिखता होगा, क्योंकि हमारे कालीमठ घाटी में तो ऊंची नीची डांडी कांठी जो है बहुत ही सुंदर लगती है हमको। भले किसी बाहर के लोगों को तो नहीं लगती है, परंतु हमको तो इतनी अच्छी लगती है ये हरे भरे डांडी कांठी, बहुत ही सुंदर। परंतु हमारे ध्यान लोग जो बहुत ज़्यादा दूर रहती है उनको बहुत याद आती है अपनी इन डांडी कांठियों की, तो उनके लिए कह रहे हैं हम। वतन में दूरे मैं लगदी मैं ते की खुदे, जब दिखेंदी मैं ते की डांडी, नीरंदी आंखों में पानी। सच्ची बेलड़ी मसांदड़ी परेड़ी धार पोरे मेरो मेत, भगवाने फाटी जाकूरेड़ी, मकिन घोड़ी काने हमें का। धन्यवाद हमारी प्यारी प्यारी धिया। तो कैसे लगी आज की वीडियो देख के, बोर मत होना और मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबका। आज दूसरा दिन है और आज हमने ना पूरा ये न्यार जो होता है मंडवे का वो सब काट के डाल दिया है, और कुछ दिन में ये सूख के ना घर ले जाएगी दीदी। हेलो, तू सेब चढ़े दिखे नहीं भी छो मैं। देखो दोस्तों, सेब की ही तरह दिखती हूँ, मैं ये बोल रहे हैं तो पता नहीं था। कश्मीरी, ये कश्मीर से ला रखी हमने यहाँ। मैं कश्मीर से आ रखी हूँ, तो ये देखो ये ताजे ताजे फल खा रखे रहे हैं हम। आप आज कश्मीर में ले आए तेरा? हाँ, अपने कश्मीर से ला रखे हैं। तो अच्छा, अब हम यहाँ आ गए हैं दूसरे वाले खेत में। यहाँ अभी हमने फूल वूल लगा रखे हैं, थोड़ा यहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं, इसको काटते हैं और बाकी यहाँ भी हरी सब्जी और फूल होते हैं।
मैंने सुनिया बनाया अगर किसी को ये मेरी बो है, ये भाभी है, ये बो है, और बो का एक कनूर हो गया छोटा, एक हो गया बड़ा, किसी के पास दवाई है इसका एक कनूर, या तो छोटा ही करो दूसरा भी, या तो बड़ा ही करो। देखो गुडी ये है ना, ये पूरी की तरह फूल रखी है, ये तो पूरी की तरह पकोड़ा बन गया है। ना ना, वो है बेसन का पकोड़ा है वो, यो कनूर बेसन। प्लीज आप लोगों के पास कोई दवाई है? ये भी ले जाएगी सीधे दीदी के भैया के पास, वो बेसन का पकौड़ा दिखाई दे। अगर किसी को अगर पता है तो ये से भैया के पास जाती है वहाँ पर दुकान की। कमेंट्री पिक्चर तो सती से बढ़िया बता दीजिएगा। ये दोनों देवरानी जेठानी है, ये जेठानी है, तो मैं अपनी जेठानी के लिए बोल रही हूँ कि अगर इनके कान का पकौड़ा हो गया तो कोई बोल सकता है कि इसकी कोई दवा है? कान तो दिखा दो थोड़ा लोग, पता नहीं इतना फूल जाता है नहीं, कभी कभी इनका कान फूल जाता है ना, तो अगर किसी के पास अगर सोने का झुमका है तो दे देना। ये बो को सोने का सूट होता है, सोना का ठीक होता है, कोई सोना झुमका दिया होता तब ठीक है। अगर नकली पहनते हैं ना, नकली पहनते हैं तो एक पकौड़ा की तरह फूल जाता है वो। और अगर किसी को अगर उसकी दवा होगी मालूम तो प्लीज बता देना क्या होती है उसकी। तो एक तो बिल्कुल हो गई है पूरी, एक हो रखी है पकौड़ी, एक तो बिल्कुल पूरी की तरह पतली है कान, दूसरी पकौड़े की तरह रखी है पूरी। कनूर चिड़ियाने बात अलग छो, चिड़ियाने तो चिड़िया जनन से झुमका तुम बड़ा बड़ा लाना, पर ते कनूर तो यो पकड़ो जान वेगी, यो तो सालो पकड़ो जान वे, अतुरालो जान छिपकली से चम वेगी। अरे यार पता नहीं क्या हो गए इनके कानों में, बहुत ज्यादा दुख रहता है इनको, खा रही है हमको भी नहीं बोल रही है। ये देखो अपने आप खाई, अब गले में बस दर्द है तो कैसे हो रहा है दर्द, सेब को तो अकेले खा रहे हैं। हाँ, कोई नहीं बोल रहे कि मेरे गले में दर्द हो रहा है बस। सेब को तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कि बड़ा बड़ा टुकड़ा निकाल के, जैसे कि हम इनके सामने बैठे ही नहीं होंगे। हाँ, ऐसी तो खा रहे हैं। सेब तो अपन भी पड़ी पकड़ी, एक सेब इन्होंने नीचे गिरा दिया है, एक को ऐसे खा रहे है की जैसे की पता नहीं हम इनके सामने में बैठे ही नहीं है। हमको भी नहीं बोल रहे की लो तुम भी खा रहे पीस इसका, तो देखिए साहब ऐसे खा रहे हैं ये। तब ऐसे खाई बोल जाओ कौन उड़ पाला, ऐसे है देवरानी जेठानी, ऐसे है देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी ऐसे खोल मिला दे कौन, ऐसे जेठानी, ऐसे जेठानी भगवान सबको दे। ये देखो अपनी देवरानी को एक टुकड़ी भी नहीं दी। मैं देख रही हूँ कि मेरे जेठानी के मुंह में कितना स्वाद आ रहा है, अब मेरे को दे ही नहीं रहे। ये देने के लिए हुई तो नीचे गिरा दिया, देने के लिए हुए थे तो ये नीचे गिर गए। तभी सती कहा है उस भाई ने इस गाने को अच्छी तरह से निभाया है जिसने ये गाना गाया है कि शिव जी का भगवान सची फूल खिला छू, हाँ फूल खिला छू। मुझे नहीं आ रहा है ऐसा गाना।